कई साल में हमने बस जान लीजिए खा करके जी रहे हैं, परिवार जी रहे हैं, कुछ कर नहीं कुछ पाए। बचा नहीं नहीं 20 सालों में, नहीं 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 और 2 सालों में दो साल जो में हमको समझ में आ गया कि इसमें अच्छा प्रॉफिट है। अच्छा प्रॉफिट। वेलकम टू आन्या ग्रीन एनर्जी। और नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आन्या ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग काफी फेमस जगह पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़, जो कि झील पड़ता है आगे, और वहीं पे हमारा आन्या ग्रीन एनर्जी का सोलर पैनल लगा हुआ है, जिससे गुप्ता जी अपना आटा चक्की और एक्सपेलर और मसाला चक्की चला रहे, जो कि हम लोग अंदर चल के पूरा डिटेल में जानकारी लेते हैं और देखते हैं। और यहाँ पे 10 HP की मोटर चल रही है, जो कि बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं है और इस खराब मौसम में भी यह 10 HP की मोटर बराबर लोड लेके चल रही है। और ये 6 वोल्ट का एक्सपेलर लगा हुआ है, जिसे ये भी चलाते हैं, और ये मसाला चक्की लगा हुआ है, और ये बंद अवस्था में डीजल इंजन पड़ा हुआ है, जो कि पहले पूरी की पूरी जिम्मेदारी थी डीजल इंजन की, लेकिन अब पूरा का पूरा जिम्मेदारी चला गया सोलर पैनल पे। और ये 27 इंच की आटा चक्की लगी हुई है, 27 इंच की आटा चक्की से सारा काम करेंगे गुप्ता जी। यहाँ पे सारा बोरिया पड़ा हुआ है काम करने के लिए, माल इकट्ठा हो चुका है और लोग यहाँ पे आएंगे शाम को, फिर सारा का सारा ये काम करके रेडी रखे रहेंगे, फिर शाम को वो लोग लेके चले जाएंगे। बाकी गुप्ता जी यहाँ पे खड़े हैं, गुप्ता जी से हम लोग 1-to-1 करके बातें करेंगे कि 2 साल में कैसा अनुभव रहा, 2 साल में कैसी चक्की चलाई, 2 साल में क्या सर्विस रहा। ये हमारी आन्या ग्रीन एनर्जी की ड्राइव लगी हुई है, इस खराब मौसम में भी 10 HP की मोटर 15 से 16 एम्पियर पे चला रहे हैं। ये मोटर का लोड इस पे सारा कुछ दिख रहा है, अंदर खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती गुप्ता जी को, सारा कुछ बाहर से ही दिख जाता है, सारा कुछ बाहर से ही देख के काम कर लेते हैं अपना। हम आटे की क्वालिटी को देखते हैं, इस खराब मौसम में आटे की क्वालिटी कैसी पिसाई हो रही है। आटे की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, 1 नंबर का आटा है, एकदम महीन और एकदम बारीकी आटा पिसाई कर रही है गुप्ता जी। क्यों गुप्ता जी, क्या कहते हैं, खराब मौसम में कोई समस्या है आटे की? कोई दिक्कत नहीं, जैसे पिसाई करते थे वैसे ही पिसाई कर रहे हैं, चाहे मौसम खराब हो चाहे मौसम में थोड़ा और माल निकलता है, बिल्कुल डाउन का है, बस कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं। बिल्कुल, हम चल के छत पे देखते हैं, सोलर पैनल छत पे लगा हुआ है, किस तरह से लगा हुआ है, 2 साल पहले लगा हुआ है, कितने मजबूती से हमारा सोलर पैनल खड़ा है, आज भी उसी मजबूती से खड़ा है। और ये आन्या ग्रीन एनर्जी के पॉली पैनल लगे हुए, आइए चल के देखते हैं कि क्या कैसे लगा हुआ है। ये आन्या ग्रीन एनर्जी के 48 पॉली 335 वाट के पैनल लगे हुए हैं, कुछ पैनल यहाँ लगे हुए हैं और बाकी के पैनल ऊपर लगे हुए हैं। रोड से बिल्कुल खूबसूरत यह पैनल लग रहा है, रोड से एकदम मेन रोड पे ही लगा हुआ है सिस्टम, जो भी जाएगा इसे देख सकता है, इस प्लांट को मेन रोड से एकदम काफ़ी सुंदर नज़ारा दिख रहा है इस पैनल का। ये दो हमारे दो लाइटिंग अरेस्टर लगे हुए हैं, जो कि बिजली से बचाते हैं और काफ़ी ऊंचाई पे लगे हुए, लाइटिंग अरेस्टर लगाने का तरीका जो है काफ़ी सही से लगाया हुआ है हमारे इंजीनियर ने, और पैनल से जो दूरी होती है वो दूरी भी बनाया ठीक से। बाकी अंदर चल के हम लोग देखते हैं वायरिंग कैसी हुई है। ये आन्या ग्रीन एनर्जी पॉली 335 वाट का पैनल लगा हुआ है और ये GI स्ट्रक्चर लगा हुआ है, 2 साल पहले काफ़ी मजबूती से खड़ा हुआ है। वायरिंग देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी हिला डुला नहीं है, 2 साल पहले लगा हुआ है, अभी भी काफ़ी जैसे लगा हुआ था वैसे ही पड़ा हुआ है, काफ़ी मजबूती से हमारे इंजीनियर काम किए हैं और आज भी उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। नमस्कार गुप्ता जी, हमारे साथ गुप्ता जी हैं जो कि 2 साल हो चुका है हमसे जुड़े हुए, तो गुप्ता जी आपसे कुछ हमारे सवाल होंगे, कुछ आपसे जानेंगे हम लोग। तो गुप्ता जी आप सिस्टम लगवाए हुए कितने साल हो गए? 2 साल हो गए लगने। अच्छा, 2 साल पूरे हो गए जी। तो 2 साल पहले गुप्ता जी सिस्टम लगवाने से पहले इतना बड़ा एक बार में पैसा लगाया आपने, तो मन में क्या चल रहा था, सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल भाई, थोड़ा सा डर तो पैदा रहता ही है कि चलेगा नहीं चलेगा, मगर हिम्मत हारे नहीं हम, और 2 साल में अपना पूरा पैसा निकाल लिए, भर गया हमारा। अच्छा, गुप्ता जी कह रहे हैं कि 2 साल में हम जितना पैसा लगाए थे 2 साल में पूरा का पूरा पैसा निकाल लिए, यही कह रहे हैं गुप्ता जी? जी जी। अच्छा, 2 साल में पूरा का पूरा पैसा निकाल लिए। तो गुप्ता जी 2 साल पहले आपने डिसीजन कहीं पे देखा नहीं, कुछ भी नहीं देखा, सिस्टम क्या है कैसे है, हमारी कंपनी को भी नहीं जानते थे, एक लोगों से बात होती, तो इतना बड़ा डिसीजन बनाया कैसे फिर? बस अचानक एक बैग। अच्छा हाँ, एक बैग अचानक अचानक लाइन के लेकर के बिल को देखते हुए समझाया गया, यार नहीं भर पाओगे इससे उससे, जी इसीलिए
फेल कर देंगे उसी को लगवाएंगे, सोलर लगवाएंगे। अच्छा, तो गुप्ता जी जैसे आपने बताया सोलर लगवाया, तो फिर ये लगभग बात करें, हम मोटी मोटा लोग बाहर जाते हैं कमाई करते हैं, आप अपने आटा चक्की से लगभग इस सोलर लगाने की वजह से कितने का बचत कर लेते होंगे महीने में? महीने में 30,000 रुपया। 30,000 रुपया जी, मतलब 30,000 रुपया आप अभी पूरा का पूरा बचत कर लेते हैं। अभी तो पैसा आपका जा रहा था, लेकिन अब पूरा का पूरा बचेगा जी। अच्छा, बिल्कुल। गुप्ता जी आप चक्की का बिजनेस कब से स्टार्ट किए हैं? 2001 से जी। अच्छा, 2 साल हो गए आपको सोलर लगे हुए। तो गुप्ता जी ये बताइएगा, जो 2001 से अनुभव रहा आपका 2021 तक, और 2021 से जो अनुभव रहा 2023 तक सोलर से, दोनों में क्या अंतर रहा? बहुत अंतर है, कई साल में हमने बस जान लीजिए खा करके जी रहे हैं, परिवार जी रहे हैं, कुछ कर नहीं पाए, कुछ बचा नहीं 20 सालों में। नहीं और दो सालों में हमको समझ में आ गया कि इसमें अच्छा प्रॉफिट है। मतलब गुप्ता जी का कहना है जो 20 साल हमने गवाए, 20 साल में हमने कुछ भी नहीं कमाया, वह कमाई हम 2 साल में कर ली जी। 2 साल में मतलब पूरा का पूरा सोलर का पैसा निकल गया, अब वह फ्री में काम करेंगे, बिना किसी खर्चे के काम करेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हम बता देते हैं कि गुप्ता जी कह रहे हैं कि अगर आप भी सोलर लगवाते हैं तो 2 सालों में अपना पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हैं, डीजल का पूरा सोलर का पैसा निकाल सकते हैं, और आप उसके बाद एकदम निश्चिंत होकर फ्री माइंड होकर काम करेंगे। जी जी जी, अच्छी बात। और अच्छा, डीजल इंजन में आवाज ऊंचा सुनना पड़ता भाई होगा, हर चीज़ और उसमें तो मशीन चलेगा तो आवाज आएगा, इसमें क्या अंतर है? बिल्कुल सिर्फ इंजन से इसमें बहुत अंतर है, कोई सर्विस, कोई मेंटेनेंस नहीं, एक बार पैसा लगाया एकदम शांति से आराम से चलाते रहिए, बिल्कुल, और कोई आवाज नहीं, कुछ शोरगुल, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज और पूछेंगे गुप्ता जी, आपने आन्या ग्रीन एनर्जी मतलब हमारी कंपनी को चुना, और किसी सोलर जो लोग लगाते हैं उनका भी कहीं देखा होगा, तो हमारा कंपनी चुना, कुछ अंतर देखा हो तो बताएं यार। नहीं, अंतर तो नहीं है, अब जो लगवाए हैं आन्या ग्रीन का जी। हम और जगह गए देखने के लिए, मगर हमको नहीं समझ में आया जी। तो हमको एक चुन करके आन्या ग्रीन का हम लगवा लिए, मतलब आन्या ग्रीन एनर्जी का सिस्टम देखा, फिर आप सेटिस्फाइड हुए, फिर आपने डिसीजन बनाया, उसी को लगवाया। बिल्कुल दोस्तों, आप लोग भी एक बार जरूर सिस्टम देख के ही डिसीजन बनाए, फिर कौन सा सिस्टम बेस्ट है, फिर आप निर्णय ले सोलर लगवाने का, क्यों गुप्ता जी? जी 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 जी। अच्छा गुप्ता जी ये बताइएगा, खराब मौसम जब बादल आते हैं, बारिश का मौसम होता है, तो उस दौरान कैसा अनुभव रहा आपका? अनुभव थोड़ा उसमें चलता है, मतलब कि अधिक आ जाएगा तो बंद हो जाएगा जी, आता जाता रहेगा, सफेद बादल लगातार चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हम ये बात करें, साल में कितने दिन ऐसा कोई दिन रहा आपका सिस्टम बंद रहा हो? नहीं, बंद तो थोड़ा होता है, कोहरा, ठंडी में कोहरा छा गया, बिल्कुल 2-4 दिन हो गया, तो उसमें तो धूप से चलने वाली चीजें, धूप ही नहीं रहेगी तो कहां से चल पाएगी। तो मतलब साल में कहना चाह रहे हैं कि 1-2 दिन को छोड़ के बाकी पूरा दिन कुछ न कुछ काम कर ही लेते हैं, बढ़िया मौसम रहता है जी, जी, जी। तो बाकी और चक्की भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे, सोलर लगवाना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल लगवाना चाहिए। अच्छा हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं लगवाना चाहिए, बिल्कुल हाँ, उनके हिम्मत के ऊपर बा भाई ना, सिस्टम की हम चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे अब तो उन जानेंगे ना, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लगवाए बढ़िया से पैसा कमाए घर बैठे, क्या दिक्कत जी। बिल्कुल। अच्छा एक चीज और बताइएगा गुप्ता जी, की डीजल इंजन से जो लोड दे चक्की चलाते थे आप जो मोटर से चलाते हैं, दोनों में क्या फर्क है? मोटर ज्यादा लोड लेती है कि डीजल इंजन? नहीं नहीं, मोटर मोटर ज्यादा लोड जी। तो मतलब सोलर से जो मोटर चलती है, गुप्ता जी का कहना है कि वह लोड ज्यादा लेती है डीजल इंजन 22 HP की अपेक्षा। हाँ, वो उससे डाउन हो जाएगा इंजन, मतलब ज्यादा माल निकालते हैं डीजल इंजन से? नहीं नहीं, मोटर से, मोटर से, हाँ सोलर से, बिल्कुल उतना नहीं निकाल पाएगा डीजल से। भाइयों ये चीज आप समझ ले, गुप्ता जी बता रहे, 2 साल का इनका अनुभव रहा, आप इनके यहाँ आके देख सकते हैं कि डीजल इंजन की अपेक्षा जो सोलर से मोटर चलती है वह लोड ज्यादा बढ़िया लेती है, क्यों गुप्ता जी? जी। और कुछ बताना चाहेंगे हमारी कंपनी के बारे में, कैसा व्यवहार? सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, कोई चीज की तकलीफ नहीं है, कुछ कहना चाहेंगे? कोई कंप्लेन करना पड़ता है तो एक बार फोन कर तुरंत बताते आ जाते हैं, तो उसमें हमको क्या तकलीफ है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम रुकता नहीं है, चलता है, तो हम क्यों उसको भाई अच्छा कहेंगे ना? बिल्कुल, और कोई हमको दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी आपसे बात करके, बाकी और ही ऐसे लोगों को हम लोग मोटिवेट करेंगे कि भाई आप भी डीजल इंजन से बदल के सोलर से निर्णय लें और सोलर से काम करें। ठीक जी, नहीं ठीक, सही, अच्छा है, सही है, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है जी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आन्या ग्रीन एनर्जी, ऐसे सोलर से रिलेटेड और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।